नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम उमा एक्सपोर्ट शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट आ सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है एंड उसी स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है। अगर आप उमा एक्सपोर्ट का सेक्टर देखेंगे वो है ट्रेडिंग का एंड इंडस्ट्री है ट्रेडिंग का। अगर अभी हम उमा एक्सपोर्ट का काम देखेंगे, इस कंपनी क्या काम करता है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कॉमोडिटीज। इस स्टॉक का मार्केट कैप देखिए 163 करोड़ का, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। एंड रिजर्व कैश कितना है 146 करोड़ का, मार्केट कैप के आसपास इसके पास रिजर्व कैश है। अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो देखिए 48 का एंड इसका बुक वैल्यू है 53। इसका मीनिंग है कि बुक वैल्यू के नीचे इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 0.9 के आसपास। प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 72.5%, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर स्टॉक का पी देखेंगे 6.6 का, इंडस्ट्री पी है 36। इंडस्ट्री पी के बहुत ही नीचे स्टॉक का पी चल रहा है। डेप टू इक्विटी देखेंगे 0.61, जो कि मैनेजेबल है एंड डिविडेंड यील्ड है 0। अगर अभी हम लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखेंगे -8%, इसका मीनिंग है कि प्राइस अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम चलते हैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, देख लेते हैं कि किस टाइप का रिजल्ट अभी इस कंपनी ने डिलीवर कर रहा है। देखिए, इसका सेल्स था जून 21 में 161 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 323 करोड़ का। सेल्स लगभग डबल हो गया है लास्ट टू ईयर में। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगभग फ्लैट है एंड आप मान सकते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, जून 21 में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था 16.39 करोड़ का एंड अभी प्रॉफिट कितना है 0.57 करोड़ का। देखिए, नेट प्रॉफिट तो पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी के लिए करेक्शन में चल रहा है, नहीं तो आप पुल बैक बोल सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए 8 करोड़ का प्रॉफिट था सेप्टेम्बर 22 में, डिसम्बर 22 में 8 था, मार्च 23 में यहाँ पे 7 था। यहाँ पे जो 0.7 आया है ना, ये ट्रेंड का आप करेक्शन बोल सकते हैं पुल बैक। जैसे कि प्राइस एक बार स्ट्रांग अपमूव देने के बाद हमेशा से पुल बैक करता है, ऐसे ही सेल्स में भी पुल बैक आता है, प्रॉफिट में भी पुल बैक आता है, इसलिए आप इसको पुल बैक मान सकते हैं। अभी के लिए इसको हम नेगेटिव बोल नहीं सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, एक बार देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस टाइप का अभी शो हो रहा है। देखिए, प्रमोटर अभी होल्ड कर रहे हैं 72.54%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एक फाई के पास कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, डीआई के पास कुछ भी नहीं है एंड रिटेल पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 27.45%। अगर रिटेल पब्लिक के बीच में अगर देखें कोई बिग इन्वेस्टर है या नहीं, देखिए कोई भी बिग इन्वेस्टर इस कंपनी में पब्लिक कैटेगरी में इन्वेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि 27.4% जो पब्लिक के पास है ये सारा माल है रिटेल पब्लिक के पास। हमारा जैसा रिटेल पब्लिक जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, क्योंकि हम कभी भी 1% से ऊपर होल्डिंग रख नहीं पाएंगे ड्यू टू योर लो कैपिटल। अगर 1% से ऊपर किसी का भी शेयर होल्डिंग रहेगा ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी में किसी का भी नेम नहीं है। इसका मीनिंग है कि 27.45% है वो हमारे जैसा रिटेल पब्लिक के पास है, जो कि नेगेटिव या रेड फ्लैग बोल सकते हैं, क्योंकि अबव 20% किसी भी स्टॉक में रिटेल का पार्टिसिपेशन गुड साइन नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का दम है यहाँ पे, क्योंकि प्रमोटर हायर क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा हायर है। अगर आने वाले टाइम में रिटेल थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं एंड जो 7 से 8% जो क्वांटिटी है FI, DI नहीं तो प्रमोटर रिसीव कर लेते हैं, तो उसी केस में यहाँ पे एक बार बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर टेक्निकल में ट्रिगर बन जाएगा तो। तो अभी हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का अभी सेटअप दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंट्री तो टेक्निकल के थ्रू ही बनेगा ना। क्योंकि देखिए, तीन टाइप का एंट्री बन सकता है, आइदर आप टेक्निकल एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फंडामेंटल एंट्री कर सकते हैं जहाँ पे आप बाय डिप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेक्निकल प्लस फंडामेंटल कर सकते हैं। इस स्टॉक को हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि आप टेक महिंद्रा को बाय एंड डिप कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी को अभी जिस लेवल के ऊपर हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे बाय एंड डिप करना
थोड़ा सा रिस्की है। अगर इंडेक्स हमारा नीचे होता उसी टाइम चलेगा क्योंकि वहाँ से रिकवरी हो सकता था, लेकिन अभी के लिए बाय एंड डिप ना करके आपको टेक्निकल के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है उमा एक्सपर्ट का। टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ पे हाई बनाया था 11 अप्रैल 22 को, जो कि हाई था 92.25 का, एंड अभी करंट प्राइस चल रहा है 48.1 का। देखिए प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ पे 57 के आसपास। प्राइस जब भी देखिए इस 57 के आसपास गया है प्राइस को सप्लाई मिला है। प्राइस जब तक अभी के लिए जो लेवल यहाँ पे बन रहा है 57-58 बफर जोन ले लेगा, 58 के ऊपर जाकर इस टाइप का हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनाता है तब तक टेक्निकल तो आप फ्रेश बाय मत कीजिएगा, नहीं तो एक बार आने दीजिएगा। उसका जो मेजर सपोर्ट बन रहा है 36 के आसपास, जो कि यहाँ पे लो बनाया था। देखिए दो टाइप का सेटअप बन रहा है, आइदर प्राइस को आने दीजिएगा 36 के आसपास एंड यहाँ पे कुछ रिजेक्शन बनेगा हायर हाई फॉर्मेशन तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो एक बार के लिए आपको वेट करना चाहे 58 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन का। इन बिटवीन कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। देखिए ये हो गया अपर बाउंड्री 58 एंड लोअर बाउंड्री बन रहा है 36। इन बिटवीन जब तक प्राइस घूम रहा है उसको घूमने दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब भी प्राइस आइदर लोअर बाउंड्री के आसपास आने के बाद हायर हाई बनेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, नहीं तो अपर बाउंड्री को ब्रेक करके 58 के ऊपर जब हायर हाई बनेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा। अभी के लिए बस वेट एंड वॉच बन रहा है, कुछ भी टेक्निकल सेटअप अभी के लिए विजिबल नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।